उत्तराखंड के शहरी विकास व आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सुंदर हरिद्वार स्वच्छ हरिद्वार के तहत सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्वार और क्रिकेट स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य का मुआयना किया। शुक्रवार को मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि शहर के विकास के लिए संकल्पित हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने हरिद्वार जनपद में सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्वार के साथ साथ उसके विस्तारीकरण का काम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका काम अंतिम चरण में है। इस कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पर जिम, टेरेस पर फुटबॉल कोर्ट और ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन बनाया गया है। जब जब जहाँ जहाँ हमारी भारत की टीम जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि HRDA जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। उसमें चाहे फुटबॉल हो, जहाँ मैं खड़ा हूँ छत के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उत्तराखंड का पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स या हमारा जो ये सेंटर होगा जहाँ हम छत पे फुटबॉल खेलेंगे। यहाँ टेबल टेनिस की सुविधाएँ हैं, यहाँ हमारे दूसरे एक्टिविटी यानी हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, दूसरी चीज़ें खेल सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने यहाँ दिखाया है। ये 17 करोड़ 85 लाख का बना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।